बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसा चाट की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी, बिल्कुल स्ट्रीट जैसा बनकर ये तैयार होगा। सबसे मेन तो ये इसका जो समोसा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आपने बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है तो आपका समोसा चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। तो इसी तरह से आप वीडियो को स्किप किए बिना देखें तो मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करूंगी, उनको फॉलो करके आपका समोसा चाट बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। तो रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। तो सबसे पहले हम समोसे का डो तैयार करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए 2 कप हमने मैदा लेना है। तो यहाँ पर मैं समोसा क्रिस्पी बनाऊंगी तो इसके लिए मैं यहाँ 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी। अगर खस्ता समोसा आपको पसंद है तो इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसमें घी तेल डालूंगी। 1 टीस्पून अजवाइन लेना है, उसको हाथों पे हल्का सा क्रश करके डालना है, और 1/2 टीस्पून नमक डालें। नमक आप टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये 1/2 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक टाइट सा आटा लगाना है। कभी भी आप आलू का समोसा बनाएं तो इसका आटा बहुत ही हमें टाइट लगाना होता है। अगर आटा नरम लगाएंगे तो समोसा नरम नरम बनेगा, सॉफ्ट रहेगा, वो ज़रा भी क्रिस्पी या खस्ता नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइट आटा लगाना है, कि बहुत ज़्यादा ये टाइट है, आप देख सकते हैं कि ये कितना टाइट आटा है। तो इसको बस 2 से 3 पंच मारना है और बस इसको कवर करके ऐसे ही हम छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद इसको कम से कम 1/2 घंटे का रेस्ट देंगे। और 1/2 घंटे के लिए, जब तक कि हम एक मसाला तैयार करेंगे जिससे हमारे आलू का समोसा बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। तो जो काला मसाला होता है आलू का वही बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना लेना है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हरी मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया है और 1 टीस्पून सौंफ है। तो सारी चीज़ को हमने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। तो अब हम फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन को गरम करना है, 1 टेबल स्पून तेल डालना है, और तेल जब हल्का सा गरम होए, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है तेल को, तो इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और हल्का हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे। आपने बात इस बात का ध्यान करना है कि तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो पाउडर मसाले अभी डालेंगे, अगर तेल ज़्यादा गरम होगा तो वो जल जाएंगे। तो इसके लिए बस हल्के गरम में, जब ये हल्के हल्के से बबल्स दिखने लगे तो हम इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद इसको बस हल्का हल्का सा हमने भूनना है। तो ये मसाले थोड़ी देर तेल में अच्छे से भूनना चाहिए, जब भी इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आएगा। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी मसाले में से, और हमारा मसाला बहुत पका हुआ, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब थोड़ी देर में ये मसाला हमारा भुनने लगे, तो जो हम पुदीना, हरी धनिया और अदरक मिर्ची वाला पेस्ट बनाकर तैयार करे थे, तो ये पूरा इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसे वॉश करके पानी भी डालेंगे ताकि जो मसाले जार में लगे हुए हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। और बस इसको भूनना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 1.5 से 2 मिनट में मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ये देखिए मसाला अच्छे से ड्राई हो गया है। तो हम यहाँ पर 4 मीडियम से थोड़े से बड़े साइज़ के आलू हैं, तो 4 आलू डालना है। और आलू डालने के बाद इसे जब तक मिक्स करेंगे, जब तक आलू और मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो आलू को मैश करते हुए अपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बारीक सा इसे मैश नहीं करना है, क्योंकि आलू के समोसे में थोड़ी थोड़ी सी मोटी आलू जो आती है मुँह में, वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो बड़ा टुकड़ा होता है आलू का, उसको इसी तरह से रहने दे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे इस तरह से स्पून से ये मैश कर दे। तो ये आलू का मसाला बनकर तैयार है। ये बहुत ही बेहतरीन फीलिंग है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार के समोसे खाना और लाना भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा यमी बनता है, बहुत ज़्यादा यमी बना था। तो आप ज़रूर से इसको इस मेथड से ट्राई करिएगा। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए, जब तक आटे को देख लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 1/2 घंटा हो गया, तो इसको काउंटर पर निकालेंगे, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं लगाना है ना तेल लगाना है। बस इसी तरह से इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से गूंदेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और चिकना सा हो जाएगा। तो ये अभी भी देखें कि अब कितना टाइट है। तो आप जितने बड़े समोसे बनाना चाहते हैं इसमें बना लें। तो मैं यहाँ पर इसको 6 पीसेस में डिवाइड करूँगी, मतलब कि इससे 12 समोसे बनकर तैयार होंगे। और इस तरह से बॉल बना के हमने बॉल
एक बोल में रखते जाना है और इसको कवर कर देंगे और एक पेड़ा लेंगे और बस इसको इसी तरह से गोल करेंगे और इस तरह से इसे बेलेंगे। तो ये समोसे का जो पेड़ा है इसे बेलने के लिए हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना आटा लगाए इसे ओवल शेप में बेल लेना है। और ये देखिए दो हमारा बेल के तैयार है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ा लेना है बेलन से और बस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे। फिर यहाँ पर हम स्टफिंग रखेंगे 1 से 2 चम्मच, तो आप अगर स्टफिंग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं तो कम डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो समोसा खुल जाता है। और इसके ऊपर देखिए मैं यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून डाली हूँ, बस इसको यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड को फोल्ड से मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और बस इसको इस तरह से पैक कर देंगे। तो ये एक ज़बरदस्त हमारा समोसा बनकर तैयार है। इस तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 समोसे बना लूँगी, उसके बाद इसे फ्राई करने लगूँगी कि उसको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जब तक मेरे और समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 समोसे बनकर तैयार है। तो पैन में हमने तेल को गर्म करना है, फ्लेम को लो रखना है और बिल्कुल लो गर्म है हमारा तेल जब भी हम इसको समोसे को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, तो इतने ही में हमें इस समोसे को फ्राई करना होता है, क्योंकि ये जो शीट है इसको ये थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसके लिए 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे और लो फ्लेम पे ही इस समोसे को फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड को हम चेंज करते रहेंगे और इसका कलर देखिए गोल्डन कलर आने तक, अच्छा सा कलर आ गया है, तो इतना ही हमें फ्राई करना है। अब ये समोसे को हम साइड में रखेंगे और चने की फिलिंग बनाएंगे, चने का मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन को गर्म करना है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन सा चॉप करके डालना है और इसको थोड़ा सा पिंक होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्की सी पिंक होने लगेगी, इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, थोड़ा सा छोटा ही है, बस ज़्यादा बड़े टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक कि अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता, तो यहाँ पर देखिए मैं 1 कप चना ली थी, उसको रात भर भिगाना है और इसको पानी में बस नमक डाल के बॉईल करना है सॉफ्ट होने तक। और ये थोड़ा सा चना लेना है 1/2 कप के बराबर, इसको बिल्कुल हाथों से मैश कर लेना है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चने में, तो उसको मैश कर ले चने को। और बस ये जब मसाला भुन जाए तो यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सब 1/2 टीस्पून लेना है। और सारे मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसको तब तक भुनेंगे जब तक के तेल सरफेस पर नहीं आ जाता। तो ये जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें चना ऐड करेंगे और ये देखिए इस तरह से, और चना बहुत ही अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। और जो मैश करके हम 1/2 कप चना रखे थे वो भी डाल देंगे और इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के बराबर। और ये पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा ग्रेवी जैसा रहता है चाट में, तो इसकी हल्की सी ग्रेवी रखना है, तो इसके लिए बस पानी उसी हिसाब से डालें और बस इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि चना अच्छे से मसालों के साथ पक नहीं जाता। तो 5 से 7 मिनट बाद देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से पक गया है और बस इसकी हल्की हल्की सी इसी तरह की ग्रेवी चाहिए, तो इसको भी हम निकाल के साइड में रखेंगे। तो इस रेसिपी में जो मैं ग्रीन चटनी और इमली की चटनी का इस्तेमाल करूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो पहले समोसे को इस तरह से बीच से थोड़ा सा तोड़ना है और इसको हम ये देखिए एक बाउल में रखेंगे जिसमें हमने सर्व करना है चाट को। समोसे को पहले थोड़ा सा तोड़ ले, या फिर आप चाहें तो पीसेस में भी कर सकते हैं 2-3 पीस में, लेकिन मैं इसी तरह से तोड़ के रखूँगी। फिर इसके ऊपर आप चने की, जो चने की ग्रेवी तैयार करके रखे वो रखेंगे, तो वो भी अपने हिसाब से रखें जैसा आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। फिर इसमें जाएगा दही, तो दही को देखें 1/2 कप दही है, उसको शक्कर डाल लेना है 2 से 3 टेबल स्पून और फिर दही को अच्छे से फेंट लेना है। तो दही का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है चाट वगैरह में, इसको अच्छे से बीट करके डालें। और चूँकि हम लोग को दही थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। उसके ऊपर मैं इमली और खजूर की चटनी डालूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये इमली की चटनी बनी थी। फिर उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। तो चाट को असेंबल करने के लिए आपने जो चटनी जितनी आपको पसंद है वो हिसाब से डालें।
अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो मीठी चटनी ज़्यादा डालें, अगर तीखा पसंद है तो ग्रीन चटनी ज़्यादा डालें। फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, फिर उसके बाद हम पाउडर मसाले कुछ ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालने के बाद, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। तो इस तरह से चुटकी से इसे डालना है सब तरफ फैलाते हुए, ताकि सब तरफ अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये धनिया, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और काले नमक का टेस्ट चाट में बहुत ही अच्छा आता है। ये ऊपर से ज़रूर स्प्रिंकल करें, जो भी चाट आप बना रहे हो बिना इसके ये वो अधूरा लगता है। तो ये चार चीज़ ज़रूर डालें। और फिर आप इसके ऊपर क्रंच के लिए बारीक शेव डालें, या फिर पापड़ी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप पापड़ी भी डाल सकते हैं ऊपर से क्रंच के लिए। तो बस ये सुपर टेस्टी और सुपर यमी हमारी समोसा चाट बनकर तैयार है। इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे रमज़ान में तो आपके घर वाले यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे घर में बनाया है, क्योंकि बिल्कुल भी ये स्ट्रीट स्टाइल ही हमारी चाट लगती है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और आपको रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और इस बेल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।